मुरली बजाने लगे। गोपियों ने गोविंद को देखा तो उनसे प्रार्थना की कि गोपाल हमारे वस्त्रों को दे दो। कन्हे बोले, गोपियों एक एक करके बाहर निकलती जाओ और अपने अपने वस्त्रों को लेती जाओ। गोपियों ने कहा, हम उस अवस्था में नहीं है कि हम बाहर निकल सके। कन्हे बोले, तुमको बाहर निकलना ही पड़ेगा। देखिए, कभी भी जल के अंदर नग्न होकर के स्नान नहीं करना चाहिए, ये शास्त्र कहते हैं, क्योंकि जल के अंदर वरुण देवता का वास होता है। इससे हमको दो प्रकार के अपराध लगते हैं। एक लगता है लौकिक अपराध, क्योंकि वरुण देवता नाराज हो जाएंगे, और यदि उस अवस्था में हमको कोई व्यक्ति, कोई मनचला व्यक्ति देख ले तो समाज में हमारी हंसी उड़ाएगा। धार्मिक अपराध वरुण देवता का अपमान होता है, क्योंकि समाज में भी तुम्हारा अपमान होगा। इसलिए परमात्मा ने यह शिक्षा इस प्रसंग के द्वारा हमको दी। वैसे भी गोपियों ने सोचा कि ये तो परमात्मा है, इससे तो छुपाई क्या है। समस्त गोपियां बाहर निकल करके आई, गोविंद ने उनके वस्त्रों को, वस्त्र बोलते हैं अविद्या, अविद्या को, जिसमें कोई सद्गुण नहीं होता। अविद्या का वास होता है 14 जगह पर, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। भगवान सुखदेव कहते हैं कि गोपी रूपी जीवात्मा को कृष्ण रूपी परमात्मा ने अविद्या रूपी वस्त्रों में ज्ञान भर के वापस कर दिया। आगे चलकर गोविंद ने देखा कि एक काली नाग है जो अपने विष के द्वारा संपूर्ण यमुना जल को विषैला बना चुका है, और जो भी उस यमुना के जल को पीते हैं, चाहे जीव चाहे जानवर, कोई भी चाहे व्यक्ति, वह सब खत्म हो जाते हैं। गाय बछड़े बहुत को उस जल के द्वारा मृत्यु का सामना करना पड़ा। गोविंद ने मन में सोचा कि इस काली नाग को भी सुधारना है। आज खेल खेल के बहाने गोविंद ने उस यमुना जल में प्रवेश किया जिसमें काली नाग रहता है। यमुना जल में अंदर जब प्रवेश किया, अभी 7 वर्ष के भी नहीं हुए गोविंद, केवल 6.5 वर्ष के, उस जल के अंदर जब प्रवेश किया तो काली नाग के जो 2 सैनिक हैं उन्होंने गोविंद के स्वरूप को देखा। पहले तो स्वरूप को ही देखते रह गए, तुरंत जाकर के काली नाग को सूचना दी और कहने लगे कि प्रभु, हमने आज तक इतना सुंदर बालक नहीं देखा, पर आश्चर्य तो यह है कि इतनी गहराई में आने के बाद भी वह मुस्कुरा रहा है, उस पर उस विषैले जल का कोई प्रभाव ही नहीं है। काली नाग ने कहा, उसको पकड़ करके लाओ। काली नाग तो अहंकारी है, गोविंद को पकड़ करके लाया गया, मुस्कुरा रहे हैं। काली नाग का और गोविंद का युद्ध हुआ। 28 दिनों तक यह युद्ध बराबर चलता रहा। अंत में गोविंद ने काली नाग को परास्त कर दिया। काली नाग ने आज स्वयं परमात्मा का स्वरूप गोविंद में किया और गोविंद से कहा कि प्रभु, एक बात बताओ, आपने मुझसे युद्ध किया, आपने मुझे दंड दिया, लेकिन क्यों दिया ये मैं नहीं समझ पाया, क्योंकि नागों को बनाने वाले आप हो और नागों के अंदर जो विष दिया है उस विष को भी देने वाले आप हो। यदि उस विष को मैंने उगला और उस विष के द्वारा ये यमुना जल विषैला हुआ तो इसमें मेरा क्या दोष है, क्योंकि विष को देने वाले भी तो आप ही हो। परमात्मा ने कहा, देखो काली नाग, मैं इंसान को बनाता हूं, जीव को बनाता हूं, और उसको धन भी देता हूं, ऐश्वर्य भी देता हूं, वैभव भी देता हूं, संपत्ति भी देता हूं, लेकिन यदि जीव उस धन का, उस वैभव का, उस ऐश्वर्य का सदुपयोग ना करके दुरुपयोग यदि करता है तो मैं उसे दंड अवश्य देता हूं।
मैं जीव को धन देता हूं तो उस धन का सदुपयोग करे, दुरुपयोग ना करे। तुमको मैंने विष दिया, तुमने उस विष का सदुपयोग नहीं किया, दुरुपयोग किया, इसलिए मैंने तुम्हें सजा दी है। बोलो जय श्री कृष्ण। प्रेम से बोलो ना, ये कोई प्रेम से नहीं बोला, ऐसे बोल रहे हो जैसे जबरदस्ती बोल रहे हो। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। मीठे से बोलो, मीठे से। अभी माखन की इतना प्रसंग सुना आपने, माखन खाते खाते अभी मीठे नहीं हुए हो क्या? बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आज गोविंद ने देखा कि ब्रजमंडल के अंदर पकवानों की बहुत प्यारी प्यारी सुगंध आ रही है। अभी मेरे साथ आप गोवर्धन चलोगे, है ना, सभी भक्त, और पूजन भी करोगे और परिक्रमा भी लगाओगे। आज गोविंद ने देखा, एक बात और बता दें आपको, और आपको ही नहीं, जहां जहां भी इस संपूर्ण भारत देश में और उसके अलावा अन्य जो देशों में जहां जहां ये आस्था चैनल है, लगभग 184 देशों में है, तो जहां भी ये आस्था चैनल के द्वारा जितने भी भक्त इस कथा को श्रवण कर रहे हैं, रोजाना सुबह 10 बजे से 1 बजे तक तो करते ही हैं, लेकिन जो अंतिम 2 दिन की कथा यानी 31 तारीख और 1 तारीख, यहां तो ये कथा 30 तारीख को संपूर्ण हो जाएगी, 30 तारीख 8 दिन की ये कथा भागवत महात्म समेत 8 दिन की, वैसे तो 7 ही दिन की है, लेकिन महात्म समेत 8 दिन की कथा है, इसलिए जो 30 तारीख की और 29 तारीख की जो कथा है, यानी कल की और परसों की, यह कथा 31 और 1 तारीख को आपको दिखाई जाएगी, तो उसमें समय का फेर बदल है। जो कथा अब 10 बजे से 1 बजे तक चल रही है, वही कथा 29 और 30 तारीख की जो 31 और 1 तारीख को दिखाई जाएगी, उसका समय दोपहर के 2 बजे से 5 बजे तक का है, अंतिम 2 दिन की जो कथा है, कल की और परसों की। इसलिए समय का ध्यान रखें, 2 बजे से 5 बजे तक, 31 तारीख को और 1 तारीख को। एक बात और, आज जो गिरिराज पूजन आपको यहां कराया जाएगा, देखिए कलयुग के अंदर, इस कलयुग के अंदर हमारे संत जनों ने भी यही माना है कि कलयुग के अंदर 2 देवता प्रत्यक्ष रूप से प्रकट हैं। वैसे तो बहुत से देवता प्रकट हो रहे हैं, लेकिन 2 देवता प्रत्यक्ष रूप से प्रकट हैं, और वह 2 देवता हैं, एक हैं तिरुपति बालाजी और दूसरे हैं श्री गिरिराज महाराज, गोवर्धन देवता, जिस को स्वयं परमात्मा श्री कृष्ण ने पूजा हो, वह कोई साधारण नहीं हो सकता। परमात्मा ने स्वयं जिसका पूजन किया हो, परमात्मा ने स्वयं जिसकी परिक्रमा लगाई हो, क्या वो साधारण हो सकता है? नहीं हो सकता। और ये दोनों ही देवता ऐसे हैं जो तुरंत काम बनाते हैं। गिरिराज जी की परिक्रमा देने कौन कौन जा चुके हैं, जरा हाथ खड़े करना। बहुत कम हाथ खड़े हैं, लेकिन इतनी इतने भक्त हैं आज यहां
जितने भी भक्त हैं जो वंचित हैं परिक्रमा लगाने से, अभी तक वह यहां पूजा करेंगे ही सभी और परिक्रमा भी लगाएंगे आरती के बाद, साथ साथ और जिसके भी मन में कोई कामना हो ना, वैसे तो परमात्मा से कुछ मांगा नहीं जाता, वो सब कुछ जानते हैं, सब कुछ देने वाले हैं, लेकिन फिर भी ये हमारा मन है कि मानता नहीं है, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे इसे समझाऊं। मंदिर में दर्शन करने भी जाएंगे तो इच्छा अपने आप प्रकट हो जाती है, चाहे कितना भी मना करो अपने आप प्रकट हो जाती है। जिसके भी मन में कोई कामना हो ना, वह आज यहां पूजन करने के बाद परिक्रमा लगाते समय कर लेना। और ये मैं आपको वचन देता हूं कि सच्चे मन से यदि पूजन करोगे, सच्चे मन से यदि परिक्रमा लगाओगे और सच्चे मन से यदि कामना करोगे, तो अगली बार जब मैं बिलासपुर में कथा करने आऊं तो मुझे बता देना कि महाराज जी सच कह रहे थे कि झूठ, बिल्कुल मिलेगा। जय हो, जय हो। बहुत से तो कहते हैं कि 101%, मैं कहता हूं 1001% मिलेगा। विश्वास होना चाहिए। आज मेरे गोविंद ने देखा कि ब्रजमंडल में तरह तरह की मिठाइयां बन रही हैं, तरह तरह के पकवान बन रहे हैं, बड़ी खुशबू आ रही है, तो सीधे मैया यशोदा के पास में पहुंच गए, जहां मैया यशोदा रसोई में लगी है। और मैया यशोदा को पकड़ करके खड़े हो गए, मैया बड़ी जोर से भूख लगी है, एक पकौड़ी दे दो ना। मैया ने देखा, बोली, लाला पहले तो बाहर निकल, नहायो ना धोयो, रसोई में घुसो ही चलो, आवे चल बाहर। देखिए, बिना स्नान किए रसोई के अंदर प्रवेश नहीं करना चाहिए, बिना स्नान किए रसोई में कभी भी प्रवेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह घर का दूसरा मंदिर होता है जिसमें भगवान का भोग बनता है। और जूते और चप्पलों से तो बिल्कुल भी नहीं घुसना चाहिए। आजकल क्या करते हैं, चप्पल रख लेते हैं रसोई में, उन्हीं को पहन करके खाना पका रहे हैं, भोग बना रहे हैं भगवान का, कितना गड़बड़ करते हैं। क्या करें महाराज, फर्श ठंडा लगता है तो चप्पल पहननी ही पड़ती हैं, क्योंकि जब से ये गैस सिलेंडर चले तब से खड़े होकर के खाना बनता है। बोलो जय श्री कृष्ण। अरे फर्श ठंडा लगता है तो इसका मतलब ये थोड़ी है चप्पल पहन के ही बनाओ। बोले महाराज, चप्पल रसोई में ही रहती है और नई है, रसोई से बाहर निकलती नहीं है। चप्पल तो चाहे कितनी भी नई हो, चाहे रसोई से बाहर ना भी निकले तो भी अशुद्ध होती है। तो फिर क्या करें महाराज जी, एक काम कर सकते हो, पैरों में जो हम पहनते हैं ना लकड़ी की जो खड़ाऊ होती हैं, उन खड़ाऊओं को रसोई में रख सकते हो लकड़ी, लेकिन उसमें भी ये नियम है कि वह खड़ाऊ भी रसोई में अंदर ही रहनी चाहिए, यदि बाहर निकल गई तो वो भी अशुद्ध हो जाएंगे। और महाराज खड़े होकर तो कभी न बनाना चाहिए न खाना चाहिए। क्यों? आजकल तो हर चीज खड़े खड़े की रह गई है, हर चीज खड़े खड़े की रह गई है। खाएंगे भी तो खड़े खड़े। और वो आपने देखा होगा शादी विवाह में आजकल वो सिस्टम चल गया है, वो क्या बोलते हैं, बफर सिस्टम। हर चीज सजी रहती है, जाते हैं जूते चप्पल पहन के और उठाया। और हमारे ब्रज में तो बोलते हैं उसको, बफर नहीं बोलते, बफेलो सिस्टम बोलते हैं। हाँ, अब क्या करें, समय ही ऐसा आ गया। और तो और बनाते समय बहुत सी माता बहनों को तो मैंने देखा है बनाती भी जाती हैं और चखती भी जाती हैं।
टेस्ट देखती है नमक मिर्च ज्यादा तो नहीं है। भगवान का भोग बन रहा है लेकिन उसको पहले ही भोग लग रहा है। एक बार क्या हुआ, राजा भोज के जमाने की बात है। राजा भोज थे तो उस समय पे एक बहुत महान संत हुआ करते थे कालिदास। राजा भोज की जो पत्नी थी वो बड़ी विदुषी थी, बहुत ज्ञान था उनके अंदर। एक दिन राजा भोज कहीं से आ रहे थे तो उनकी धर्मपत्नी अपनी सखियों से बात कर रही थी। राजा भोज जैसे ही आए तो अपनी पत्नी से आते ही बोले, क्या हो रहा है आजकल तो बड़ी चकाचक छन रही है, क्या बातें हो रही हैं? राजा भोज की पत्नी बोली, आओ मूर्खराज, बैठो मूर्खराज। राजा भोज ने सोचा कि जो पत्नी रोजाना मेरे चरणों का वंदन करती है, जो मेरा इतना सम्मान करती है, आज इसने मुझसे मूर्खराज कैसे कह दिया। राजा भोज ने बहुत पूछा लेकिन बताया नहीं। दूसरे दिन सिंहासन पर विराजमान थे राजा भोज तो संत कालिदास दरबार में आए। जैसे ही संत कालिदास दरबार में आए तो राजा भोज ने आते ही कहा, आओ मूर्खराज, विराजो मूर्खराज। कालिदास सोचने लगे, जो राजा रोजाना मेरा इतना सम्मान करता था, आज इसने मुझसे मूर्खराज क्यों कहा। कालिदास से रहा नहीं गया तो बोले, राजन खादन गच्छामी हसन जलते। एक तो मूर्ख वो होता है जो खड़े खड़े खाता है, चलते चलते जो खाता है। खादन गच्छामी, जो चलते चलते खड़े होकर के खाता है, एक मूर्ख तो वो होता है, ध्यान देना, एक मूर्ख वो होता है जो बिना कारण से ज्यादा हंसता है, हसन में जलते। अकारण जो ज्यादा हंसता है एक मूर्ख वो होता है, और एक मूर्ख वो होता है जो गई हुई बात के बारे में ज्यादा चिंता करता है, जो बात चली गई उसके बारे में जो ज्यादा सोचता है, जो ज्यादा चिंता करता है, एक मूर्ख वो होता है। और चौथा मूर्ख वो होता है कि किसी कार्य को, कोई भी कार्य किया, कोई भी कार्य हुआ, उस कार्य को अपना मानता है कि ये कार्य मैं कर रहा हूं, ये चौथा मूर्ख हो गया। क्योंकि कोई भी कार्य बिना परमात्मा के, बिना मर्जी के नहीं हो सकता। तो जो किसी भी कार्य को अपना मानता है, चौथा मूर्ख वो है। और पांचवा मूर्ख वो होता है कि यदि दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हो और बात करते समय जाकर के उनके बीच में टांग अड़ा दे। पांच प्रकार के मूर्ख होते हैं। तो संत कालिदास कहने लगे कि इन पांचों में से मैंने कोई भी कार्य नहीं किया, लेकिन तुमने मुझसे मूर्ख क्यों कहा। राजा भोज बोले, महाराज मूर्खों के लक्षण सुनने के लिए ही तो मूर्ख कहा था, क्योंकि मेरी पत्नी और उनकी सखियां आपस में बात कर रही थी तो मैंने टांग अड़ा दी, तो मेरी पत्नी ने मुझसे मूर्ख कहा। तो अब तो समझ गए होंगे खड़े होकर के खाते समय क्या होता है, मूर्ख कहलाते। बोलो जय श्री कृष्ण। इसलिए ना तो खड़े होकर के खाओ और ना ही रसोई के अंदर कभी भी, क्यों, भगवान का वो मंदिर है। मैया यशोदा ने कहा कि पहले स्नान करके आओ तब तुमको कुछ मिलेगा, और मिलेगा भी तब, पहले जय जय का भोग लगेगा। कन्हैया नाराज हो गए, नाराज होकर के नंद बाबा के पास में बोल गए। बाबा ने देखा कि लाला रो रोए। नंद बाबा ने कहा कि लाला क्यों रोवे। कन्हे बोले, देखो बाबा, हमको बड़ी जोर से भूख लगी थी, हमने मैया से एक पकौड़ी मांगी तो मैया कहवे लगी कि पहले जय जय को भोग लगेगा तब पीछे मिलेगी। बाबा ये जय जय कौन है। बाबा बोले, लाला हमारे जय जय को नाम है इंद्रदेव। प्रतिवर्ष हम बाकी पूजा करें और पूजा करने के बाद वह हमारे खेतों के ताई वर्षा करें, हमारे खेतों में अन्न धन की वृद्धि होवे, अनाज की वृद्धि होवे,
इसलिए आज उनकी पूजा है, उन्हीं के लिए भोग बन रहा है। कन्हैया बोले, देखो बाबा एक बात तो बताओ, क्या तुम्हारे देवता ने कभी तुमको दर्शन दियो? बोले लाला मैं तो 80 से भी ज्यादा को है गयो, लेकिन दर्शन तो कभी दियो नहीं, कभी प्रत्यक्ष रूप से तुम्हारे हाथों से भोग पायो? बोले नहीं, भोग भी नहीं पायो, तो काहे को देवता है? अरे बाबा सच्चो देवता तो हमारो गिरिराज महाराज है, जाके ऊपर हमारी गऊए चरे, हमारे बछड़े चरे, हमारी रक्षा करे हैं, तुम भाई की पूजा करो। बाबा बोले लाला तुम्हारी बात है, मानेगा कौन? बोले तुम पंचायत बुलाओ, मैं समझाऊंगा। केवल 7 वर्ष को कन्हैया है, तुम पंचायत बुलाओ। आज ब्रजवासियों की पंचायत हुई तो 7 वर्ष के गोविंद ने पूरी पंचायत को समझाया। गोविंद कहते हैं कि शास्त्रों के अनुसार जो कर्म करता है उसको फल मिलता है। जब तुमने कर्म किया, उन्होंने तुमको दर्शन नहीं दिया, तो किस चीज का देवता, कैसा देवता? कि कर्म ना जायते जंतु कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम भयम खेमम कर्मणैव विपद्यते। जीव का जन्म कर्म से होता है, जीव की मृत्यु कर्म से होती है, सुख दुख हानि लाभ सब कुछ कर्म के अनुसार मिलता है। तुम गिरिराज जी का पूजन करो, इसी में आपकी भलाई है, हम सबकी भलाई है। ब्रजवासी बोले लाला हम तेरी बात मान तो जाएंगे, पर हमारी कछु शर्त है। कन्हैया बोले कहो। बोले पहली शर्त तो यह है कि जब हम पूजन करेंगे तो प्रत्यक्ष रूप से तुम्हारे देवता को, गिरिराज महाराज को दर्शन देना पड़ेगा। दूसरी शर्त यह है कि हमारे हाथन से भोजन खानो पड़ेगा, भोग लगाना पड़ेगा। बोले मंजूर है। तीसरी शर्त यह है कि हम हैं गरीब ब्रजवासी, जैसी टूटी फूटी सेवा है हमारी वैसी ते प्रसन्न होना पड़ेगा। बोले मंजूर है। और चौथी शर्त यह है कि यदि नाराज है कि इंद्र ने कछु कोप कर दीनो, तो वह कोप से भी हमें बचाना पड़ेगा। बोले मंजूर है। आज वर्षों से चला आ रहा इंद्र देवता का यज्ञ स्टॉप, विराम लगा दिया। केवल 7 वर्ष के लाला ने विराम लगा दिया, और आज सभी ब्रजवासियों के मन में चाव है, बड़ी खुशी है, बड़ी प्रसन्नता है कि हम लाला के देवता का पूजन करने को जाएं। अपनी अपनी गाड़ियों में तरह तरह के भोग लगाएं, 56 प्रकार के व्यंजन रखें, सजा सजा के थालियों को। और समस्त गोपियों ने, समस्त गोपों ने बहुत सुंदर श्रृंगार कीनो, 84 गज के लहंगा पहरे। सब गोपन ने सिर से पगड़ी लगाई, पीली पीतांबरी पहनी, पीलोई लगायो, चंदन मोचन पे लगायो इत्र, और पीलोई लगायो चंदन, और पीलोई पटका डालो, और पीली ही पगड़ी पहनी, और सीधे गोवर्धन को चल दिए अपनी अपनी गाड़ियों में। मां तो भगवान कृष्ण आगे आगे चले थे, और जितने भी ब्रजवासी थे पीछे चले थे। आज तुम भी ब्रजवासी हो, ये समझना कि अब हम बिलासपुर में नहीं बैठे, गिरिराज जी में हैं। अभी गए नहीं हैं, अभी गए नहीं हैं, अभी चलना मेरे साथ। मैं आगे आगे चलता हूं, तुम पीछे पीछे चलना मन से। अरे मैं तो देखो एक बात और, कल बहुत सुंदर कथा है, कल की जो कथा है भगवान कृष्ण का प्रथम विवाह लक्ष्मी स्वरूपा श्री रुक्मणी से। उससे पहले गोपी उद्धव संवाद है, गोपी महाराज है, बहुत सुंदर कथा है, सबसे सुंदर कथा है कल की। कल सभी समय से आएंगे जैसे आज आए हैं, और खूब चकाचक हो के बारात में चलना है। कल गोविंद की बारात में चलना है।
क्योंकि संसार के जितनी भी शादियां होती हैं उनमें तो सब जाते ही हैं, लेकिन परमात्मा का विवाह हो तो जरूर ही जाना चाहिए। और भैया मैं निमंत्रण दे रहा हूं सबको, जो नहीं आए हैं ना उनको भी लिवा करके लाना शादी में, हाँ जरूर। अब गोवर्धन चलते हैं। अरे मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर नाय माने मेरो मनुआ, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर नाय माने मेरो मनुआ। अरे नाय माने मेरो मनुआ, अरे सखी नाय माने मेरो मनुआ, नाय माने मेरो मनुआ, अरे सखी नाय माने मेरो मनुआ, मैं तो तो तीन दो नौ तुझे माओ मेरे वीर नाय माने
शरण भगवान की। आज समस्त ब्रजवासी पहुंचे, सबसे पहले स्नान करायो। स्नान कराते कराते सब ब्रजवासी थक गए, लाला से शिकायत की नहीं। लाला ने तुरंत अपने मन के द्वारा श्री मानसी गंगा को प्रकट किया। बोलिए मानसी गंगा की। स्नान कराए और उसके बाद पूजा की सभी ब्रजवासियों ने। अब सभी भक्त पूजा करेंगे, उससे पहले आइए भगवान के चरणों में वंदन। अरे तेरो सब संकट मिट जाए, हो मिट जाए, तू पूजा कर गोवर्धन की। तेरो सब संकट मिट जाए।